लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने गुजरात को बेहाल कर दिया है। द्वारिका से लेकर नवसारी तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों में जामनगर, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ में भारी बारिश हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो जाता है, मगर जब बारिश बेहिसाब हो तो खुशी के काफूर होने में भी वक्त नहीं लगता। जब नजर की हद तक पानी ही पानी नजर आए, खेत खलिहान, फसलें, मकान, सब कुछ पानी में डूब जाए तो इंसान की परेशानी क्या होगी, इसे इन तस्वीरों से देखिए, समझिए। ये तस्वीर जूनागढ़ की है। मानवदार इलाके में 15 इंच तक बारिश के बाद ऐसे हालात हुए हैं। इलाके में 50 से ज्यादा गाँव से संपर्क टूट चुका है। 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है। 25 से ज्यादा लोगों को मुश्किल हालात से बाहर निकाला गया है। जूनागढ़ जिले में पिछले 4 दिन से काफी भारी बारिश हो रही है। इस भारी बारिश की वजह से जिले में कुछ तालुका ब्लॉक काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें माणावल, वंथली, केशोद और मांगरोड, इस एरिया में इसकी ज़्यादा असर हुई है। इसको घेड़ एरिया बोला जाता है। इस घेड़ एरिया में करीबन 44 जितने गांव है, जिसमें अभी बिकॉज ऑफ ओवर टॉपिंग ऑफ रेनफॉल अभी वो गांव कट ऑफ है। बट हमारी जो टीम है तालुका और जिला स्तर की, वो गांव के सरपंच, गांव के पटवारी, उनके साथ संपर्क में है। इस इलाके में खारा डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा गांव में गले तक पानी भर गया है। पुलिस और प्रशासन लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। आला अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। कोटवाव गांव में एनडीआरएफ की टीम ने एक नवजात के साथ महिला की जान बचाई। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर फिसले तो गए, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर रही है। जो सुरक्षित है मगर पानी से घिरे हैं, उनके पास फूड पैकेट और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इलाके में रेड अलर्ट है और लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। हमने प्रिकॉशन के भाग के स्वरूप हमने करीबन 76 जितने रास्ते अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंद किए हुए। हमारे पीजीवीसीएल की टीम भी जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर फीडर और ज्योतिग्राम फीडर में इश्यूज है उसको रिजोल्व कर रही है। और ज्योतिग्राम फीडर में अभी एक भी फीडर बंद नहीं है, बट एग्रीकल्चर फीडर में करीबन 26 जितने फीडर हमने प्रिकॉशन के भाग के स्वरूप अभी हमने बंद किया हुआ है। अभी हमारे पास जो खबर आ रही है उस हिसाब से माणावदर ब्लॉक में हमने करीबन 1000 लोगों को सेफ स्थल पे हम लोगों ने शिफ्टिंग करवाया है और उसके लिए फूड और पानी वगैरह की व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास अभी एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की एक टीम है। एसडीआरएफ की टीम को हमने माणावदर ब्लॉक के साइड अभी रवाना किया ताकि कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग की और कोई रेस्क्यू की नौबत आए तो उसमें वो लोग हमें मदद कर पाए। चिंता की बात है कि जूनागढ़ का सबसे बड़ा बांध हसनापुर 80% तक भर चुका है। अगर ओवरफ्लो होता है तो निचले हिस्से के गांव में बड़ी तबाही हो सकती है। आसपास के 10 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। तेज बहाव के कारण जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ से जुड़े स्टेट हाईवे टूट चुके हैं या पानी में बह गए हैं, यानी आवाजाही ठप है। हर तरफ पानी ही पानी है। घोगली, अम्बाजल, मेघल, ओजाद जैसी सभी नदियां उफान पर हैं और ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हैं। गुजरात में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जूनागढ़ के अलावा जामनगर और द्वारका का हाल बुरा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के प्रभावित जिलों का हवाई निरीक्षण किया। नवसारी और डांग जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इलाकों की सड़कों पर पानी जमा है और यातायात रोक दिया गया है। पानी का फ्लो बढ़ा तो अंबिका नदी का वाटरफॉल एक्टिव हो गया। ये नजारा खूबसूरत है मगर पानी का बहाव देखते हुए 40 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ये दौर जारी रहेगा।
जिसे देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया और मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो +5% एबव से नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है और 301 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है 1 जून से आज तक, और नॉर्मल के हिसाब से 285 होनी चाहिए। गुजरात की तरह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने भारी मुश्किल खड़ी कर दी है। भंडारा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पूरा ओपरा गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। लोगों के घरों, दुकानों, सड़कों और सरकारी इमारतों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। बेशक प्रशासन मदद में जुटा है, राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। नाव के जरिए लोगों को निकाला भी जा रहा है, खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं।